हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। जब आप लोगों ने कभी किसी को ये बोलते हुए सुना था कि साले तू कुत्ते की मौत मरेगा, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि साले ये कुत्ते की मौत आखिर इंसान मरता कैसे। अगर वो आपको देखना है तो इस पर्टिकुलर मूवी का एंड देखो, तो आपको समझ में आएगा एक इंसान कुत्ते की मौत मरता कैसे। फिर मूवी की ओवर लेंथ 1 घंटे 40 मिनट की है और ये आपको जी फाइव पर देखने को मिलती है, जिसका नाम है लव हॉस्टल। इसे प्रोड्यूस किया शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में, और इसमें हमें नजर आता है सानिया मल्होत्रा, बॉबी देओल और विक्रांत मसे। मूवी की कहानी वैसे तो सिंपल से स्टार्ट होती है बॉबी देओल से, जिसका नाम है डागर। अब इन भाई साहब का खौफ पूरी हरियाणा में, हालांकि पुलिस वालों और पब्लिक की नजर में डागर की मौत हो चुकी है, लेकिन डागर आज भी जिंदा। बेसिकली डागर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसको ये पसंद नहीं कि कोई भी लड़की अपना घर छोड़कर भागे और किसी और से शादी करे, और अगर वो लड़की किसी और रिलीजन में शादी करती है फिर तो उसकी तो भाई खैर ही नहीं। खैर ऐसे में हमें नजर आती है ज्योति और आशु शौकीन, यानी कि अहमद शौकीन। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल है, तो जिन लोगों को इन टॉपिक्स पर बनाई गई मूवीज नहीं पसंद तो यार वो लोग इस वीडियो को भी छोड़ दे और इस पर्टिकुलर मूवी को भी छोड़ दे। कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब अहमद और ज्योति घर से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या कुछ होता है सब जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से ब्लड वॉयलेंस दिखाया ना भाई, वो अनएक्सपेक्टेड था। मूवी कहीं ना कहीं फोकस करती ग्राउंड रियलिटी पे कि ये सारी चीज़ें रियलिटी में होती है, हालांकि उस लेवल में नहीं होती जितना इस पर्टिकुलर मूवी में बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वो करीब तो है, लेकिन इतना भी करीब नहीं कि एकदम लॉ को गधे की गांड में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें होती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो हरियाणवी जट लोग हो या मुस्लिम लोगों, कोई भी ये सारी चीज़ें कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर मूवी में जिस तरह से चीज़ें बताई, पॉलिटिक्स और पावर और लॉ, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके जो हमें बताने की कोशिश की है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और बिना कुछ बोले बहुत कुछ बताने की कोशिश भी करती है। उसके अलावा मूवी में मेन प्लॉट के अलावा एक सब प्लॉट भी है, यानी कि अहमद की लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही है, वो भी देखकर आपको कहीं ना कहीं रियलिटी के बहुत करीब लगेगा। मूवी का डायरेक्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइट रखा है। नेगेटिव पॉइंट मूवी का यही है कि यहाँ पर लड़की को हिंदू बताया और लड़के को मुसलमान बनाया, और आज की तारीख में इंडिया में ये चीज़ें नहीं चलती। अगर लड़की मुस्लिम होती और लड़का हिंदू होता तो शायद ये मूवी को और भी ज़्यादा लोग देखते और ज़्यादा खुश भी होते। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, बहुत ही फास्ट पेस ये मूवी है, कब शुरू होती कब खत्म होता बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई धर्म पाजी मस्ट बी सो प्राउड के यार, बॉबी देओल अब जो एक्टर बनकर सामने आ रहे ना, मतलब वो उनसे एक्सपेक्टेड था 95 में जब वो लॉन्च हुए थे, लेकिन आज बॉबी देओल यार बहुत ही फाड़ू परफॉर्मेंस करे और पूरी मूवी में वन मैन शो काम किया बॉबी देओल ने। जो उनका एक्सेंट था, जिस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से वो डायलॉग्स बोल रहे थे, मतलब अच्छे खासे इंसान की फड़िया उनको मूवी में देख के। तो अगर वो रियल लाइफ में अगर वो डागर ही होते तो सोचो क्या कयामत होती। विक्रांत मासे देखो बॉडी बिल्डर आदमी तो नहीं है, लेकिन जो उनका डायलॉग बोलने का तरीका, जो उनका एक्सप्रेशन है, वो बहुत ही मज़ा आता। और विक्रांत मासे और बॉबी देओल का जो काउंटर हो रहा था ना, वो मजा आ गया। सानिया मल्होत्रा ने भी अपने रोल को ठीक ठाक से निभाया। ओवरऑल ये मूवी उन सारे ऑडियंस के लिए जो दिमाग खोल के पिक्चर देखना चाहते हैं, बाकी जिन लोगों की दिमाग एक कैद है चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, तो उनको ये मूवी अच्छी नहीं लगेगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मूवी फैमिली के साथ बैठ के मत देखना, क्योंकि इसमें वॉयलेंस बहुत है और थोड़ा बहुत एक किसिंग सीन है और थोड़े बहुत वो डबल मीनिंग के ऐसे डायलॉग है, बस थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7/10। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।